हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सक्षमता परीक्षा के फॉर्म को लेकर कुछ सावधानियां बरतनी है कि किस प्रकार आपको यह फॉर्म भरना है, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी से बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है और आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। इसलिए और ऊपर से ऑनलाइन सारा सिस्टम है, कंप्यूटर बेस्ड सारा सिस्टम है, तो बहुत सतर्कता आप सभी को बरतनी है कि कहीं पर किसी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो। जैसे कि अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं और यह कार्यालय से आदेश आया है, इसीलिए आया कि आपसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो और आप तक यह सब जो सूचनाएं हैं पहुंच सकें और आप विदाउट एनी मिस्टेक उनको भर सकें। अब यहाँ पर है मार्गदर्शिका के कंडिका 12 में विशेष अनुदेश का वर्णन है। उक्त में अंकित है कि शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा भरे गए आवेदन को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा जांच उपरांत अंतिम रूप से सबमिट किया जाएगा। सत्यापन के दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना वास्तव में यह स्पष्ट हो लें कि शिक्षक अभ्यर्थी सक्षम स्थानीय निकाय द्वारा वास्तव में नियोजित शिक्षक हैं, यानी आप नियोजित शिक्षक हैं, यानी ये उनको पहले ये देखना भी है, इसीलिए आपका जो डेटा है वो भी लिया जा रहा है। अब इसमें पॉइंट क्या है, पहला, शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए अभिलेख यथा आधार कार्ड, मैट्रिक, टीईटी, एसटीईटी, सीटीईटी, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक नियोजन इकाई द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र इत्यादि स्पष्ट एवं सुपठित होने आवश्यक हैं। आप जो भी अपलोड करें वो बहुत स्पष्ट होने चाहिए, ब्लर नहीं होने चाहिए। कई बार फोटो खींचते समय ब्लर हो जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और जितना उन्होंने KBM जो उनका क्राइटेरिया होता है फोटो को लेने का, जितना उन्होंने मांगा जाए उतने में ही आपको सबमिट करना है, वरना वो सबमिट नहीं होता है। अन्यथा अभ्यर्थी के आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट नहीं किया जाएगा। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, ब्लर नहीं होना है, जो भी आपको करना है वो स्पष्ट और सुपठित होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा पति या पिता का नाम, जन्म तिथि, योगदान तिथि सही से भरा जाना आवश्यक है। ये सभी चीज़ें ध्यान से भरनी है आपको, पति या पिता का नाम, योगदान की तिथि। इसकी पुष्टि सक्षम अभिलेख के आलोक में की जाएगी। किसी भी तरह की त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार माने जाएंगे और त्रुटियों के आलोक में अभ्यर्थियों के आवेदन के अंतिम रूप में सबमिट नहीं किया जाएगा। इसलिए पहले ही आप सतर्क रहें, बार बार लाइन आती है कि सबमिट नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट देखिएगा, इसमें है संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा सक्षमता परीक्षा से संबंधित आवेदन पत्रों को अपने कार्यालय के पत्रांक दिनांक के माध्यम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे प्रखंड सरकार शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच उपरांत पूर्ण रूप से आश्वस्त होने के पश्चात अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अग्रसरित किया जाएगा, यानी फॉरवर्ड किया जाएगा। हेडमास्टर द्वारा सारे कार्य किए जाएंगे और फिर जो प्रखंड शिक्षा अधिकारी हैं उनको दिया जाएगा। फिर फोर्थ नंबर है, सभी प्रकार के न्यायालय प्राधिकरण में विचाराधीन मामलों से संबंधित अभ्यर्थियों का सक्षमता परीक्षा आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट नहीं किया जाएगा। यानी जिन भी नियोजित शिक्षकों के खिलाफ कोई न्यायालय कोई केस चला हुआ है उनका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ये क्लियर है। किसी भी तरीके का आप पर कोई केस ना हो न्यायालय और प्राधिकार वाला। पांच पॉइंट है, शिक्षक अभ्यर्थी सक्षम स्थानीय निकाय द्वारा वास्तव में नियोजित शिक्षक हैं, क्योंकि आपको स्थानीय निकाय वालों का कर रहे हैं तो वही आपका मान्य होगा, अदर का नहीं। से संबंधित प्रमाण पत्र संबंधित स्थानीय निकाय के सदस्य सचिव द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। अब आप देख लीजिए, इन्हीं का होगा, अगर इनका सदस्य सचिव का नहीं हुआ तो भी मान्य नहीं होगा, तो स्थानीय निकाय के सदस्य सचिव द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। सिक्स पॉइंट है, सभी अभ्यर्थियों को सक्षमता परीक्षा हेतु एक शपथ पत्र प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी प्रस्तुत करना आवश्यक है। शपथ पत्र का प्रारूप निम्न है, ये शपथ पत्र का प्रारूप है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ पर देखें ये है। और एक बार अपने प्रखंड में भी पता कर लें, क्योंकि प्रखंड वाइज शपथ पत्र निकाला जा रहा है। वैसे सभी प्रखंड का एक जैसा ही है, लेकिन फिर भी कोई भी मिस्टेक हमें नहीं करनी है। एक बार जो आपके प्रखंड से जो आपके शिक्षा अधिकारी होंगे जो वो निकाले, एक बार उस पर भी नज़र कर लेना। लेकिन ये औरंगाबाद जिला का है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ये मैं करके ये पूरा शपथ पत्र है। इसको पढ़ना कोई यहाँ पर बहुत तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि ये पढ़ना आप इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि जरूरी है कि आपको फॉर्मेट पता हो कि प्रारूप क्या है, इस प्रारूप पर ही आपको अपना शपथ पत्र बनवाना है, ये इम्पोर्टेंट है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब 7 पॉइंट है, प्रारंभिक शिक्षकों के आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करने के संपूर्ण जिम्मेदारी वेतन लिपिक श्री विकास कुमार चौधरी एवं माध्यमिक आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट करने की संपूर्ण जिम्मेदारी वेतन लिपिक श्री चंदन कुमार मिश्रा की होगी। किसी भी त्रुटि के लिए इन्हें पूर्ण रूप से जिम्मेवार माना जाएगा। ये काम आपके होंगे जो ऊपर बताए। अगर इनकी भी बात कोई मिस्टेक होती है तो इन्होंने लिपिक के ऊपर उसे बिल्कुल जिम्मेदार ठहरा दिया है। अब जो लिपिक आपके प्रखंड के होंगे वहाँ उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, बाकी जो आपको करना है वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और इसके रिगार्डिंग हम और नेक्स्ट किस तरीके से फॉर्म भरना है और क्या क्या उसमें बताया गया है एक और वीडियो हम लेकर आएंगे। सो प्लीज़ बने रहिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें नहीं बताई जाती, नहीं वो समझ में आती हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा ताकि आप नेक्स्ट अपडेट से अपडेट हो सके। वीडियो कल तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।